संघ एक बहुत ज्यादा टॉलरेंट, प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, स्पेशली यूथ के लिए. लेकिन जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है और उनका इकोसिस्टम है आज की तारीख में, वो संघ को इस लाइट से दिखाते हैं कि संघ एक हेट फील्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेट फील्ड काम करते हैं, सोसाइटी में हेट स्प्रेड करते हैं, और रोज संघ को कोई ना कोई उनमें से कुछ बुरा भला बोल के चला जाता है. मैंने ये भी देखा है कि संघ रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है. और क्यों, मतलब क्यों आप रिस्पॉन्ड नहीं, मुझे, मैं जानती हूँ कि संघ इज नॉट अ हेट फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते, और अगर करना है तो क्या कहेंगे जो इतना बड़ा सेक्शन है सोसाइटी में जो इस तरीके का मैसेज फैलाते, और कि संघी को उन्होंने बैड वर्ड बना दिया है, तो उनको आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि संघ तो मतलब 143 करोड़ लोग जो आज की जनसंख्या है अपने देश की, उन सबको अपना मानता है, और संघ का काम का तरीका जो है वो प्रेम से सबको जोड़ने का है. और संघ, पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो टिप्पणी करते हैं वो सत्ता के दृष्टिकोण से सब चीज़ें बोलते हैं, देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं, और 5 साल का हिसाब उनका बहुत ज़्यादा चलता है. हम लोगों का हिसाब मतलब शताब्दी का है, तो इसी कारण से बहुत सारा अंतर पड़ता है. दूसरी बात यह है कि संघ जो है वो स्वाभाविक रूप से इस तरीके से काम करना प्रारंभ किया, तो संघ के लिए कोई भेद नहीं है, संघ सबके पास जा रहा है और संघ सबको अपना मानता है, तो संघ की सतत प्रक्रिया है. इसलिए कई बार हम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऊपर से वो बोल रहे हैं, जब हम व्यक्तिगत मिलते हैं उनमें से कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या करें, बोलना पड़ता है, हमें पता है आप अच्छा काम कर रहे हैं. तो ये हमें व्यक्तिगत रूप में बोलने वालों को भी, बहुत बड़ा बड़ा बोलने वालों से भी व्यक्तिगत रूप में मिलने पर यही बात हमें समझ में आती है. तो हम जानते हैं उनकी, उनका खोखलापन जो है उनकी बात का, इसलिए कई बार हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये बात सच है. लेकिन सच ये है कि क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये एक हमारी कॉलोनियल या उसके पहले की जो विदेशी ताकतें थी और आज भी उसके जो तंत्र है उसकी लीगसी के कारण ये बात हो रही है. ये कई लोग हैं अपने देश में, कौन कौन अगर देते हैं, अगर मैं लिस्ट करूं कि जो लोग संघ के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग हैं कि जो देश में राजनीति ऐसी करना चाहते हैं, जाति के नाम पर लोगों को फिक्स करके राजनीति करना चाहते हैं, या देश में जो भी अपने प्लान है उनके, उसके लिए वो डिवाइड करना चाहते हैं. संघ बोलता है हिंदू सारा एक. अब जब संघ जोर से हिंदू सारा एक बोलता है और धीरे धीरे संघ हिंदू सारा एक कर भी रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है वो फेल होते हैं, उसके कारण वो करते हैं. फिर कई लोग सोचते हैं कि हम पैसा देंगे, लालच देंगे, यहाँ लोगों का मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कर लेंगे. लेकिन क्या होता है, संघ तो हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, उसकी अच्छाइयां क्या है इसको उजागर करता है, तो उसके कारण वो बात धीरे धीरे समझ में आ रही है. जिस राम मंदिर को लोग कम्युनल कह रहे थे, अब वो भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव से ये बात उठी थी, ये बात धीरे धीरे सबको समझ में आ गई, तो फिर वो जो सारे तंत्र है वो तंत्र मतलब विफल होते हैं, तो वो बोलते हैं. फिर कुछ लोगों ने सोचा कि जंगल में हम लोगों को, जनजाति लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हम भड़का कर, उनके हाथ में शस्त्र देकर इस देश की जो लोकतंत्र है या हमारे देश की जो स्वाधीनता है उसको नष्ट कर देंगे, जैसे उन्होंने दुनिया के कम्युनिस्ट के नाम पर दुनिया के कई देशों में किया. लेकिन उनके रास्ते में फिर संघ आ जाता है, क्योंकि संघ के कई सारे सेवा काम चलते हैं जनजाति क्षेत्र में, और हम सब प्रकृति पूजक है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया है, ये सारे यहीं के लोग है, हम सब एक ही, हमारा सबका डीएनए एक है, ये बात संघ बोलता है. ये बात साइंटिफिकली प्रूव होती है, हिस्टोरिकली प्रूव होती है, आर्कियोलॉजिकली प्रूव होती है, राखीगढ़ी जैसे प्रोजेक्ट से प्रूव होती है साइंटिफिकली, तो फिर ये सारे प्रयास विफल हो जाते हैं. कुछ लोग है कि जो बिना मेहनत की राजनीति करना चाहते हैं जी, लेकिन संघ तो ग्राउंड वर्क करता है, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शाखा, हर जगह हर घर तक जाता है. संघ के कई अभियान है जिसमें घर तक जाते हैं जी, तो ये सारे अभियानों में फिर जो झूठ
बड़े माइक लगाकर जो फैलाते हैं, वो संघ के घर घर जाने के बाद वो कितने भी जोर से चिल्लाए वो सत्य बाहर आ जाता है, तो उसके कारण उनको भी कष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों को लगा कि 47 में हमने ऐसी राजनीति की कि देश का विभाजन हो गया, अब वो लोग भी चाहते कि हम ऐसा ही कुछ कर देंगे, लेकिन सारा हिंदू संगठित होता है, वो 140 करोड़ लोगों को अपना मानता है, लेकिन जो लोग देश के खिलाफ है, जो आतंक फैलाते, उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस कारण से उनके भी प्लान्स अभी तक सफल नहीं हो पाए। जिन्होंने विभाजन पहले किया वही विभाजन हो गया, उनका ही विभाजन हो गया। तो और दुनिया में भी पूरे आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे विषय है। तो ऐसे सारी जो शक्तियां हैं जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, हमारे देश का जो उज्जवल भविष्य है जी, कि दुनिया में भारत आज एकदम आगे बढ़ रहा है जी, तो जो लोग तो जो संघ जो है वो उसके साथ है, संघ देश के चांद पर पहुंचने के साथ है, संघ देश की न्यूक्लियर पावर के साथ है, बहुत सारी चीजें ऐसी जी, जी। तो जो लोग इन बातों को विरोध करते हैं या उसके आधार पर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके प्लान्स मतलब नहीं चलते, नहीं चल पा रहे हैं, और धीरे धीरे वो क्या बोलते मतलब वो कमजोर होते जा रहे हैं। दे आर वीकनिंग, और जो फ्रेगमेंटेशन करना चाहते हैं वो खुद ही फ्रेगमेंट में बट रहे हैं, उनके ही टुकड़े हो रहे हैं। करेक्ट। तो इसी कारण से ज्यादातर लोग विरोध करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और हमारा रिस्पॉन्स है, बट नॉट बाय वर्ड्स बट बाय अवर एक्शंस।